नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। लोग एक चीज को बड़ी बजाक के लहजे में यूज करते हैं, शेख चिल्ली के सपने, और उन लोगों को भी कभी कभी हंसी का पात्र बनना पड़ता है जिनके सपने जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाम खा के सपने देख रहा है। एक्चुअल में सपने दो तरह के हैं और दो तरीके से ही देखे जाते हैं। एक तो प्रैक्टिकल ड्रीम है, एक इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स है। प्रैक्टिकल ड्रीम्स कौन देखता है? जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स कौन देखता है? जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। और शेख चिल्ली के सपने जो हैं, वो भी इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स की श्रेणी में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकल होना अच्छा है या इम्प्रैक्टिकल होना अच्छा है? प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखना चाहिए या इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखना चाहिए? कौन से वाले सपने आप देखने पसंद करेंगे? तो पहले कुछ सपनों की चर्चा कर ली जाए। जिस व्यक्ति ने एक सपना देखा था कि हम एक बल्ब बना देंगे जो रात में भी लोगों को दिन जैसा उजाला देगा, जब उसने ये सोचा था, उस वक्त वो जो उसका सपना था वो शेख चिल्ली का सपना था, जिसके पूरे होने की कोई संभावना दूर दूर तक लोगों को समझ में आती ही नहीं थी। एक आदमी ने सोचा था कि हम एक ऐसी चीज का आविष्कार करेंगे जो यहां गाना बजे और यहां से 100 किलोमीटर दूर पर सुनाई दे। तो ये प्रैक्टिकल सपना था या इम्प्रैक्टिकल सपना था? ये इम्प्रैक्टिकल ड्रीम था। और लोगों को ये किसी भी सूरत में हजम होने वाली बात ही नहीं थी कि ये सपना पूरा हो सकता है। किसी ने सपना देखा होगा कि हम यहां डांस करें और वहां आप देख सकें, टेलीविजन बना दिया। तो जब ये सपने देखे गए थे तब ये सारे के सारे सपने इम्प्रैक्टिकल थे। जिस टाइम आदमी घोड़े पर सवार होकर के चलता था, उस टाइम पे उससे कहा जाए कि साहब हम आपके लिए एक ऐसा वाहन तैयार कर देंगे जिसमें चाबी लगाओ, पेट्रोल डालो और वो घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ेगा, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल सपना था। इवन साइकिल इम्प्रैक्टिकल ड्रीम था। जितने भी आविष्कार इस दुनिया में हुए हैं वो सब उन लोगों ने किए हैं जिनको शेख चिल्ली के सपने देखने की आदत थी, या जिनका एक शौक था, या जिनका एक जुनून था कि वो शेख चिल्ली वाला सपना देखे। ऑर्डिनरी पर्सन है, प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल चीजें देखता है। उसमें आज हम किनको याद करते हैं? करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे हैं? और करोड़ों लोग मर गए होंगे जब बल्ब का एडिसन आविष्कार हुआ उससे और आज तक। उन करोड़ों लोगों को कोई नहीं जानता, उनकी कोई चर्चा भी नहीं करता। कीड़े मकोड़े की तरीके से दुनिया में आए, खाए पिए और मर गए। एक आदमी को याद करते कि यार क्या बल्ब बनाया था उसने, साइकिल बनाई थी उसने, ग्रामोफोन बनाया था उसने, टीवी टेलीविजन का आविष्कार किया था उसने, साइकिल बनाई, एसी बनाया, फ्रिज बनाई। तो जिन लोगों ने भी वो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखे वो समाज में एक आदर्श की तरीके से पूजे गए, और जिनमें ये हिम्मत नहीं थी शेख चिल्ली का सपना देखने की, वो करोड़ों कीड़े मकोड़ों की तरह आए, खाए पिए और चल दिए। उन्हें आज कोई जानने वाला नहीं है दुनिया में। तो एक हौसला पैदा करें अपने अंदर, ऐसा सपना देखने का ही हौसला पैदा करें। ये भी आपके लिए पहली सीढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी है। करोड़ों आदमी आपके पीछे खड़े हो जाते हैं जिस वक्त आप एक इम्प्रैक्टिकल ड्रीम देखते हैं, क्योंकि उनमें तो देखने की भी क्षमता नहीं है, उनमें देखने की भी क्षमता नहीं है। अगर आप सिर्फ एक सपना देख पाए कि हम ऐसा करेंगे
तो आपने सपना जिस टाइम पे देखा उस टाइम पे उन करोड़ों लोगों से आप आगे हैं जिनके अंदर वो सपना देखने की भी क्षमता नहीं है। तो मेरा आपसे जो एक सुझाव कहें, एक बड़े होने के नाते गाइडेंस देने की बात कहें कि एक तो उन लोगों को कभी भी क्रिटिसाइज न करें जिनके सपने आपको समझ में नहीं आ रहे, और दूसरा अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने आप को प्रमाणित करना है कि हम किसी लायक हैं, तो आप भी वो शेख चिल्ली के सपने देखने का प्रयास करें, कोशिश करें और सोचें कि हम ऐसा कौन सा सपना देख सकते हैं जिसे हम इस जीवन में पूरा करना चाहते हैं। तो उन लोगों की प्रशंसा करें जो शेख चिल्ली के सपने देखते हैं। वो हो सकता है 100 बार फेल हो, लेकिन उनके फेल होने का भी मतलब ये नहीं है कि वो हार गए। वो आपसे आज भी करोड़ों लोगों से आगे हैं, क्योंकि वो करोड़ों लोग तो सपना देखने का भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने एक अचानक से मेरे दिमाग में आया शेख चिल्ली के सपने, मुगेरी लाल के सपने हैं, इनको लोग उपहास की नजर से देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में श्रद्धा के पात्र हैं, वो सराहना के पात्र हैं। उन्होंने कम से कम सोचा कि हम दुनिया से हटके कुछ काम करें हैं? तो उन लोगों का जो भी आपसे सहयोग हो सकता है, समर्थन हो सकता है, वो करें। और हम तो ये कहेंगे कि आप देखने का प्रयास करें। और जो हम ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर आपकी जो सोच है वो मजबूत होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो वो जो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम है वो आपका पूरा होगा। सोचे तो सपना तो देखें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।